मुख्यमंत्री की फटकार के बाद जिला प्रशासन ने अवैध रेत भंडारण करने वालों पर की कार्रवाई। शाहपुर इलाके में रेत माफियाओं के ठिकाने पर बीती रात कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर अवैध रेत के 30 डंपर नो पोकलेन मशीन पकड़कर मौके से डंपर चालक डंपर छोड़कर फरार हो गए थे। मंगलवार की रात कलेक्टर एसपी एसडीएम ने रात करीब 11 से 12 बजे मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और 30 खाली डंपर को पकड़ा। साथ ही रेत डंप की जगह से पोकलेन मशीन जेसीबी मशीन पर भी कार्रवाई की है। बुधवार की सुबह कलेक्टर एसपी खनिज विभाग एसडीएम तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी पहुँचे। बता दें कि बैतूल कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार कार्रवाई की जा रही है। चुनाव के दौरान भी सूचनाएं मिली थी कि इलाके में रेत का अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा है, साथ ही भंडारण भी किया जा रहा था। आइए सुनते हैं क्या कहा बैतूल कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश और माननीय मुख्यमंत्री जी पारदर्शी शासन प्रशासन के निर्देश देते हैं, उसमें माफियाओं का कोई स्थान नहीं है। और विगत चुनाव में ये ध्यान में आया था कि इस विभिन्न विभागों के कार्य व्यवस्था के कारण यहाँ कुछ रेत माफिया पनपने लगे थे, जिसमें एक तो कोई अरशद करके हैं जो काफ़ी उसके विरुद्ध अपराध भी है, या कोई इलियास है कोई, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा लगाई हुई कुछ वाहनों को भी कल रात को जब्त करने की कार्रवाई माइनिंग डिपार्टमेंट और एसडीएम ने की थी, लेकिन वो विभिन्न स्थानों पे कुछ यहाँ कुछ और दूसरे स्थानों पे अपने वाहनों को खाली करके भागने की कोशिश की और एक जगह वो इकट्ठे हो गए थे। तो उनको सब जगह एक जगह इकट्ठा करके हम लोगों ने खाली वाहनों को जो परिवहन में सहूलत है उसको बंद किया है। ऐसे 29-30 वाहन हम लोगों ने जब्त किए हैं जो डंपर है बड़े, साथ में कुछ नो जैसे अपने पोकलैंड मशीन भी यहाँ हम लोगों ने जब्त की है, जिसमें एक ड्यूरिंग जांच लेके भाग चुके हैं तो उसकी एफआईआर हो रही है। या ये बता दूँ, ये जो डंप है ये जो अधिकृत ठेकेदार का है, लेकिन इसमें भी एक बड़ी क्वांटिटी है जो अरशद और जो इलियास वगैरह जो यहाँ करा करते थे काम, वो उन्होंने यहाँ पे इसको यहाँ पे डंप करने की कार्रवाई की है। तो इसमें हम अधिकृत ठेकेदार की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। पर ये जो इस क्षेत्र का जो है चिमड़ी गांव में 140,000 जो खंडमीटर के जो रेत है वो हमने यहाँ पे जब्त करी है। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की है और इसमें जो मुख्य नाम आ रहे हैं वो अरशद और इलियास के हैं, और इसमें ठेकेदार की भी निश्चित रूप से गलती है, क्योंकि उसके द्वारा अधिकृत जो डंप स्थल है उसके ऊपर ये रेत पाई गई है, तो उसकी भूमिका की भी हम लोग जांच करें। ठेकेदार के दम पे आप लोगों के सामने ही अभी उसके 5 डंप का ये विधिवत अनुमति देते हैं और अनुमति के स्थलों पर जाके उसकी जांच करेंगे और जांच करके फिर हम इसको देखते हैं कि वो रॉयल्टी पेड है या नहीं। रॉयल्टी पेड है तो हमें कोई कुछ कहना नहीं है, और रॉयल्टी पेड नहीं तो वो कड़ी कार्रवाई की श्रेणी में आएगा। और जहाँ तक अरशद की बात है तो अरशद के खिलाफ में जो काफ़ी प्रकरण दर्ज है, तो हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि अरशद के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की माफिया और शासन को लॉस करने के और जो दूसरे जो प्रयास इन्होंने जो पिछले महीने भर में ड्यूरिंग इलेक्शन करने की कोशिश की थी ये कभी पनप ना पाए। थैंक यू।